हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस ट्यूटोरियल। तो आज का लेक्चर क्या है गाइस? बूलियंस इन पाइथन। ओके गाइस, तो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, बूलियंस क्या होता है? बूलियंस आर ऑपरेटर डेट अलाउ टू कन्वे ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट। ओके गाइस, तो बूलियंस में क्या होता है गाइस? अगर हम कोई भी स्टेटमेंट देते हैं पाइथन को, तो ये बताएगा कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। चलिए गाइस, स्पाइडर ओपन करते हैं अपना। तो गाइस देख सकते हैं मेरा स्पाइडर ओपन हो गया है। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ कैसे। मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ वाई, जिसे ट्रू असाइन करा लेता हूँ, टी आर यू ई। तो गाइस देख सकते हैं मैंने ट्रू असाइन कर दिया है यहाँ पे वाई। तो गाइस यहाँ सिंपली मेरा ट्रू जो असाइन हो गया वाई में। अब मैं इसका टाइप चेक करता हूँ गाइस, टाइप ऑफ वाई। तो गाइस देख सकते हैं इसने क्या बताया गाइस, बूल। बूल मींस क्या होता है गाइस? बूलियंस। फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि गाइस बूलियंस किससे डिनोट होता है पाइथन में, बूल से। ओके गाइस, तो वाई क्या है गाइस? बूल। अगर मैं यहाँ पर सिंपली टी स्मॉल लिखता हूँ, तो गाइस देख सकते हैं ये कलर नहीं हुआ और ये किसी वेरिएबल में असाइन हो गया। ओके गाइस, मतलब कि ये पाइथन में क्या है कि ये वेरिएबल मानेगा। गाइस मैं आपको रन करके बताता हूँ कैसे। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे ट्रू इज़ नॉट डिफाइंड, मतलब कि ये जो कलर ट्रू था पाइथन में ऑलरेडी डिफाइंड था। ओके गाइस, तो इसने क्या किया, मैं इसने सोचा कि इस वेरिएबल को मैं अगेन किसी वेरिएबल में असाइन करा, इसलिए इसने सिंपली मना कर दिया कि ट्रू इज़ नॉट डिफाइंड। ओके गाइस, तो ऐसे ही मैं एक फॉल्स का दिखाता हूँ आपको। एक्स ले लेता हूँ जिसमें फॉल्स, शिफ्ट प्लस एंटर। तो गाइस देख सकते हैं फॉल्स इसमें इजीली असाइन हो गया। मैं टाइप चेक करता हूँ इसका, तो गाइस आप देख सकते हैं इसने क्या दिखाया, बूल मींस बूलियंस। ओके गाइस, बूलियंस में ट्रू और फॉल्स होते हैं। सिंपली आप देख सकते हैं अगर ये कलर नहीं होता, अगर ये सिंपली ब्लैक में रहता तो गाइस ये एरर बता देता उसी वक्त। ओके गाइस, तो आपको दिखाता हूँ कैसे। आप देख सकते हैं कलर से सिंपली ब्लैक में हो गया है। मैं आपको दिखाता हूँ गाइस, इसने सिंपली मना कर दिया, फॉल्स इज नॉट डिफाइंड। ओके गाइस, सेम वही रीज़न जो अब मैंने आपको दिखाया था, तो इसलिए हमें इसे कैपिटल ही रखना पड़ता है। ओके गाइस, कैपिटल में फॉल्स। ओके फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। ओके गाइस, तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कैसे ट्रू और फॉल्स बताता है पाइथन में। लेता वन इज ग्रेटर देन टू, आगे इसे रन करते हैं तो आप देख सकते हैं इसने सिंपली मेरे को बता आउटपुट दे दिया है कि गाइस वन, मैंने क्या बोला था, वन इज़ ग्रेटर दैन टू, तो पाइथन ने कहा फॉल्स, इट इज़ नॉट इज़ ग्रेटर दैन टू। ओके गाइस, तो एक और एग्जांपल देता हूँ इक्वालिटी का। मैं आपको इक्वालिटी का, जैसे वन इक्वल टू वन, तो मैं रन करता हूँ शिफ्ट प्लस एंटर। तो गाइस देख सकते हैं इसने बता दिया येस वन इज़ इक्वल टू वन। बट अगर मैं लेता हूँ वन इज़ इक्वल टू टू, तो गाइस देख सकते हैं इसने फॉल्स बता दिया, वन इज़ नॉट इक्वल टू टू। ओके गाइस, कभी होता ही नहीं है कि दो के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। तो गाइस सिंपली इसने बता दिया फॉल्स। ओके गाइस, तो यहाँ दो इक्वल का मींस क्या होता है गाइस, इक्वालिटी। मैं आपको आगे बताऊंगा आगे लेक्चर के साथ, ऐसे ही मेरे साथ बने रहना गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। तो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो। तो गाइस अगले लेक्चर में मिलते हैं। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। थैंक यू सो मच गाइस।